हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, हिस्ट्री जो पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया है और इसकी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक कीजिए। और आज हम इस वीडियो में MCQs डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के ही, और एक तरफ MCQs आते रहेंगे, MCQs की वीडियो आपको मिलती रहेगी हिस्ट्री की, और दूसरी तरफ पॉलिटी की क्लासेज अब शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए MCQs का पार्ट 3 है, इसको कर लेते हैं अब स्टार्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया किसने किया। और हाँ, ये वाला पार्ट देखने के लिए ये जो क्वेश्चंस है कौन से पार्ट से हैं, पार्ट 3 से हैं हिस्ट्री के। ठीक है, मतलब मैंने जो वीडियो कराई है उसमें पार्ट 3 से ये क्वेश्चंस ले गए हैं, तो आप बिल्कुल देख लीजिए पार्ट 3 को। मैं कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी, इसके अलावा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो ये लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली जो मशीन है उसका आविष्कार किसने किया, तो इसका जो आविष्कार है वो किया साइरस मैकॉर्मिक ने, साइरस मैकॉर्मिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ, तो ये हुआ 1831 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसके बाद ही जो अंग्रेज हैं उन्होंने पूरे तरीके से, जो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए या फिर राजनीति के लिए बात करें तो उसमें इंटरफेयर करना पूरे तरीके से शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोटी की टोकरी कौन से देश को कहा जाता है, तो ये कौन से देश को कहा जाता है, ये कहा जाता है अमेरिका को। ठीक है, हमने अपने लेक्चर में अमेरिका, इसके अलावा ब्रिटेन और भारत के एस्पेक्ट में बात की थी। कॉमन्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन्स किसे कहते हैं, तो कॉमन्स किसे कहते हैं, साझा जमीन को, साझा जंगल को, साझा उद्योग को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा साझा जमीन। ठीक है, कॉमन्स जो है वो छीन ले गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैप्टन स्विंग कौन था, कैप्टन स्विंग कौन था, तो ये था एक काल्पनिक नाम। ठीक है, कैप्टन स्विंग था एक काल्पनिक नाम। रेत का कटोरा किसे कहा जाता था, तो रेत का कटोरा कहा जाता था रेतीले तूफान को। ठीक है, रेतीले तूफान को। भारत में अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था, ये किया जाता था कहाँ पर, चीन में। ठीक है, कहाँ पर, चीन में। क्वेश्चन नंबर 9, और अगर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से समझने हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, मैं आपको बार बार बोलूंगी ये चीज। 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था, तो यहाँ चलने शुरू हो गए थे क्या, मिट्टी भरी आंधी चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें हमने किसान से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, किसान और काश्तकार, ये डिस्कस किया है इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर 1930 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदान रेतीले तूफानों के कारण किस रूप में बदल गए थे, तो ये किस चीज में बदल गए थे, ये बदल गए थे रेत का कटोरा। ठीक है, नेक्स्ट है, गेहूं का कटोरा कहा जाता ना इसको, रोटी का कटोरा, अब ये किस चीज में बदल गया था अमेरिका, रेत का कटोरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम भेजते थे, या फिर अंग्रेज किस विकल्प के रूप में चीन को अफीम भेजते थे, तो ये भेजते थे चाय के विकल्प में, क्योंकि इनको चाय चाहिए थी वहां से, तो इनको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था, एक ऐसी चीज चाहिए थी, विकल्प चाहिए था जो कि वो चीन में भेज सके, ताकि जो उनका पैसा है वो पूरे तरीके से वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इन्होंने भी ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ ही निकाला, और ये था क्या, अफीम, चीन को ही अफीम भेजते थे। 16वीं सदी में निम्न में से किस कारणवश इंग्लैंड में खुले खेतों और मुक्त और साझी जमीन की अर्थव्यवस्था बदलने लगी थी, तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बाजार में ऊन के दाम बढ़ जाने के कारण। हमने बात की थी इंग्लैंड में जो साझी जमीन है वो ले ली गई थी लोगों से, उस पर कब्जा कर लिया गया था, क्यों, क्योंकि उस पर इन्होंने क्या फार्म बनाने शुरू कर दिए थे, और वहां पर क्योंकि ऊन चाहिए थी इनको, तो भेड़ पालन इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 18वीं सदी के अंत में भूमि की बाड़ाबंदी करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, जमीन को यूज करने के अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें थी, मतलब जमीन को हड़पा गया, जमीन को कब्जे में लिया गया, साझी जमीन को किस लिए, कभी तो अनाज के उत्पादन के लिए, ठीक है, कभी भेड़ रखने के लिए, जब ऊन की जो डिमांड है वो बढ़ी तो फिर वहां पर भेड़ भी रखी गई, तो फिर लेक्चर देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंग्लैंड के मेहनत कशों द्वारा भेजे गए धमकी भरे खतों पर
निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते थे? तो ये होते थे कैप्टन स्विंग। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कैप्टन स्विंग क्या था, एक ये था एक काल्पनिक नाम। तो इंग्लैंड में जो लोग थे मशीन्स का जो यूज कर रहे थे, उनको धमकी भरे लेटर्स मिलते थे कि ये जो मशीन्स है इनका यूज मत करो, और उस पर सिग्नेचर किस नाम से होते थे? कैप्टन स्विंग। क्वेश्चन नंबर 15, 16वीं सदी में इंग्लैंड में जमीन की बाड़ाबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भेड़ पालन को बढ़ाना। ठीक है, 16वीं सदी में साझा जमीन को किस लिए रखा गया? भेड़ पालन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, 18वीं सदी के अंतिम वर्षों तथा 19वीं सदी के शुरुआती दौर में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जमीन इंग्लैंड के गरीबों के लिए जिंदा रहने की बुनियादी साधन थी? तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साझा जमीन। यानी ये एक ऐसी जमीन थी जब जो ऐसे गरीब किसान होते थे, क्या करते थे, जो इनके वो होते थे पालतू जानवर, इनको साझा जमीन पर ही चराने के लिए ले जाते थे। दूसरा, यहीं से इनको छोटी मोटी लकड़ी और ऐसी ऐसी चीज मिल जाती थी, फ्रूट्स वगैरह खाने की चीजें, जो कि उस टाइम में इनके काम आते थे जब इनके पास कोई काम नहीं होता था। तो जब साझा जमीन छिन गई थी तो इसको इन लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 17, 1660 के दशक में इंग्लैंड में शलजम और तिप्तिया घास यानी क्लोवर की खेती क्यों की जाती थी? तो ये इसलिए की जाती थी क्योंकि इन फसलों को बोने से क्या होता है, जमीन की पैदावार बढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1820 से 1850 के बीच में मिसिसिपी की घाटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि की जाती थी? तो ये की जाती थी कैसी, कर्तक दहन कृषि यानी स्लैश एंड बर्न कृषि। 19, इंग्लैंड में गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों में दक्षिणी प्रांतों की ओर अग्रसर क्यों होने लगे थे ये लोग? गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों में से दक्षिणी प्रांत, यानी जो गरीब हैं वो मध्यवर्ती क्षेत्रों से दक्षिणी प्रांत की तरफ जाने लगे थे, ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्यों हुआ था, कृषक मेहनत कशों की मांग पूर्ति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यूएसए में प्रवासी पश्चिम की ओर अग्रसर क्यों हुए? तो ये इसलिए अग्रसर हुए ताकि इनको नई जमीन मिल जाए, नई भूमि की खोज में तथा फसल उगाने के लिए। जब समझ में आया लोगों को कि अनाज की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 21, 1800 के अंत तक इंग्लैंड में मजदूरों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अन्य तीन वक्तव्यों से बिल्कुल अलग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कारणवश 1910 से 1919 के मध्य गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में वृद्धि हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नई तकनीकी की प्रयोग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाया जाता था और आसान हो गया था? तो ऑब्वियस सी बात है, ये था रेलवे का प्रसार, रेलवे का प्रसार हो रहा था तो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। क्वेश्चन नंबर 24, किसानों ने गेहूं की कृषि के लिए विशाल मैदानी क्षेत्रों को किस प्रकार से साफ किया था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों को काटकर भूमि के एक बड़े भाग को साफ करके। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी सत्ता के लिए सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व से काफी ज्यादा पैसा इनको मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, 1930 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी भाग में आए तूफानों का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था सूखा पड़ने की वजह से आए थे, और दूसरी बात है इतने ज्यादा लोग खेती में लग गए थे कि उन्होंने जमीन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल भारत में उगाई जाती थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नील और अफीम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो गया था? तो ये रहेगा आंसर प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्न में से किस स्थान पर अफीम का उत्पादन किया जाता था? तो ये किया जाता था कहां पर? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्न में से किसने चीन में अफीम के व्यापार की शुरुआत की थी? तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4। ठीक है, और शाम को अपलोड हो जाएगी पॉलिटी का पार्ट नंबर 1। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।